वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फेस कट और हेयर कट के बारे में, यानी कि कौन से फेस कट के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर कट अच्छा होता है। तो आप अगर सैलॉन में जाते हो और आप जब जाते हो आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से पूछते हो कौन सा हेयर कट मुझे सूट करेगा, कौन सा हेयर कट मुझे कराना चाहिए, तो वो आपको एक सजेशन देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि एग्जैक्टली आपके फेस कट के हिसाब से आपको कौन सा हेयर कट आप पे सूट करेगा। तो आज मैं आपको वो सारे डिटेल्स देने जा रही हूँ कि आपके फेस कट के हिसाब से आपको कौन सा हेयर कट कराना चाहिए और कैसे आप पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा हेयर कट सूट करेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबका फेस कट जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। आप बिल्कुल घबराइए ना, मैं आज आपको 6 फेस कट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये दुनिया में 6 फेस कट ही होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों का फेस कट इनमें से मिक्स्ड हो, जैसे कि 2-3 फेस कट एक साथ मिक्स होकर भी हो सकता है। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आप आराम से अपना फेस कट जो है पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले फेस कट के बारे में यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो है हार्ट फेस कट। तो हार्ट फेस कट जो है वो बिल्कुल हार्ट शेप का होता है, यानी कि ऊपर से चौड़ा, यानी कि फोरहेड जो है थोड़ा सा चौड़ा और नीचे बिल्कुल ऐसा जॉ लाइन, मतलब फिनिश कट, फिनिश डायमेंशन मिलता है। फॉर रेफरेंस यहाँ पे मैं आपको एक इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का अगर आप फेस देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल चौड़ा है और यहाँ से आके बिल्कुल ऐसा है हार्ट शेप की तरह है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है, बहुत ही अच्छा शेप कट है, देखते ही एक बिल्कुल आंखें जाती है, बहुत अट्रैक्टिव है ये फेस कट। इनका जो चीक बोन है वो बिल्कुल डिफाइंड है, तो बहुत ही अमेजिंग फेस कट है ये। इनमें लॉन्ग हेयर बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लॉन्ग लेड हेयर बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ छोटे भी, यानी छोटे हेयर भी, यानी कि अगर आप रिसेंटली आप दीपिका पादुकोण का पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं उन्होंने छोटा हेयर कराया है, अपने शोल्डर तक हेयर कट कराया और उन पर वो बहुत बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। तो उन पर ये शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, लेड हेयर सब बहुत अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा लॉन्ग हेयर। इनफैक्ट शॉर्ट हेयर से भी ज़्यादा लॉन्ग हेयर वो बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये जो फेस कट है ये बहुत ही फेमिनाइन है, मतलब लॉन्ग हेयर उन पर बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो फेस कट है वो है डायमंड। यहाँ पे मैं एक इंडियन सेलिब्रिटी का रेफरेंस दूंगी, वो है कैटरीना कैफ। अगर आप उनका फेस देखेंगे, उनका पूरा ही डायमंड शेप जो ऐसा देखेंगे, उनका फेस बिल्कुल एक डायमंड कट की तरह है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। ये जो फेस कट होता है उनका जो फोरहेड होता है बहुत ही नैरो होता है, यहाँ पे जाके चीक्स बिल्कुल ऐसे डिफाइंड रहते हैं और जॉ लाइन बिल्कुल पॉइंटेड रहते हैं। ये जो फेस कट है इन पे छोटे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इट विल नॉट सूट। इन पे काफ़ी ज़्यादा लेयर कट या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेप कट, ये सब इन पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ये बिल्कुल एक एंगल फेस कट है तो इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, उसको सॉफ्ट करने के लिए बाल लंबे रखना ही पड़ेगा। अगर ये फेस कट छोटे बाल रखते तो उनका फेस बहुत ज़्यादा चौड़ा लगेगा, गंदा लगेगा, बहुत ज़्यादा फैट लगेगा, तो उनको डेफिनेटली लंबे बाल ही रखने पड़ेंगे ताकि फेस जो है बिल्कुल सॉफ्ट लगे। इन पे जो है साइड पार्टिंग भी बहुत अच्छा लगेगा, साइड पार्टिंग जब करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, फेस बिल्कुल डिफाइन लगेगा, बिल्कुल भी छोटे बाल इस पर्टिकुलर फेस कट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो फेस कट है ओवल फेस कट, यानी कि बिल्कुल एक अंडे की शेप की तरह। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस कट है। रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं 3 नाम लूँगी, एक है हॉलीवुड सेलिब्रिटी रिहाना, इंडियन सेलिब्रिटी में मैं यहाँ पे 2 नाम लूँगी, वो है जानवी कपूर और प्रियंका चोपड़ा। इनका शेप जो है बिल्कुल ओवल शेप है, ये भी बहुत एक फेमिनाइन फेस कट है, बहुत ही परफेक्ट फेस कट है। कहते हैं कि इस पर्टिकुलर फेस कट में हर कोई हेयर कट सूट होता है, बहुत अच्छे से सूट होता है। तो क्या है ना कि कोई एडजी फीचर नहीं है, बिल्कुल ओवल शेप है, कोई भी एडजी फीचर नहीं है, तो उन पे शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, कोई भी टाइप ऑफ हेयर बहुत अच्छे से सूट होगा। इनफैक्ट दे कैन कैरी एनी हेयर कट वेरी वेल। इस पर्टिकुलर फेस कट में कोई भी हेयर स्टाइल को स्टाइल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप प्रियंका चोपड़ा को देखेंगे, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में लंबे बाल रखे हैं, छोटे बाल रखे हैं, बहुत छोटे बाल रखे हैं, लेकिन वो सब उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। स्पेशली लेग कट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जानवी कपूर ने धड़क मूवी में रखा था लेग कट, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आप हॉलीवुड सेलिब्रिटी रिहाना की बात करें तो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल चेंज करती रहती है, बहुत ज़्यादा हेयर कट फॉलो करती है, जो उन पे सब अच्छा लगता है। तो ये है ओवल शेप के बारे में। अब नेक्स्ट फेस कट है वो है राउंड,
यानी कि बिल्कुल सर्कल। रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा का नाम। का जो फेस कट है वो भी है बिल्कुल सर्कल, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंटेड फीचर्स नहीं है, जैसे कि पॉइंटेड जॉ लाइन, चीक्स, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गोल, यानी कि बिल्कुल ऐसा सर्कल शेप में है, वो है राउंड। तो ओवल शेप और राउंड शेप में हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इनफैक्ट इतना कुछ फीचर डिफरेंस एकदम से बता नहीं सकते, बट एक फीचर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो राउंड शेप है ना, उनकी जो चीक्स हैं वो थोड़े से वाइड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीक्स थोड़ा सा वाइडर है। जैसे कि आप सोनाक्षी सिन्हा का फेस देखोगे, उनका पूरा ही फेस कट राउंड है, लेकिन उनकी चीक्स जो है थोड़े से वाइड है। सो इस पर्टिकुलर फेस कट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, नो बॉब कट, नो शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर अगर आप रखोगे तो फेस और ज़्यादा चौड़ा लगेगा, यानी कि चीक्स जो है और ज़्यादा चौड़ा लगेगा। तो डेफिनेटली एंड ओनली लॉन्ग हेयर विल लुक गुड। लेग कट, लॉट ऑफ लेग कट, स्मॉल लेग कट, लॉन्ग लेग कट, यानी कि लंबे लेयर, वो सब रखना बहुत अच्छा लगेगा। बाल लंबे हो उतना ही चेहरा खूबसूरत और बहुत पतला और डिफाइन लगेगा। नेक्स्ट फेस कट है वो है स्क्वायर। यहाँ पे मैं इंडियन सेलिब्रिटी का नाम लूँगी, वो है करीना कपूर। उनका फेस जो है वो है बिल्कुल स्क्वायर शेप में। ये जो टाइप ऑफ फेस कट है वो थोड़ा मैस्कुलिन साइड में है, लेस फेमिनाइन है, लेकिन अगर आप करीना कपूर को देखें, वो कोई भी कपड़े, कोई भी हेयर कट को बहुत अच्छे से कैरी कर सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर फेस कट में शॉर्ट हेयर कट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैस्कुलिन, वो ऑलरेडी मैस्कुलिन है। अगर लड़कियाँ और ज़्यादा शॉर्ट करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, बिल्कुल फेमिनाइन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो शॉर्ट हेयर कट इज बिग नो नो फॉर दिस पर्टिकुलर फेस कट। लेकिन लंबे बाल, लेग कट, स्टेप कट, इन पे बहुत बहुत अच्छा सूट करेगा, स्पेशली मीडियम वेव्स। अगर आप देखेंगे यहाँ तक के मीडियम वेव्स इन पे बहुत अच्छे से सूट करेगा। मोस्ट ऑफ द मूवीज में करीना कपूर ने मीडियम वेव्स ही रखे हैं, स्पेशली उनका जो अभी लेटेस्ट मूवी आया था गुड न्यूज मूवी में, उन्होंने मीडियम वेव्स रखे हैं, नीचे से कर्ली ऊपर से स्ट्रेट, उन पे ये बहुत अच्छे से सूट हुआ है। इस पर्टिकुलर फेस कट में क्या होता है कि जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा नैरो वाइड है, तो इसमें बैंग्स बहुत अच्छे से सूट होंगे, साइड बैंग्स, फ्रिंच कट बहुत अच्छे से सूट होगा। स्पेशली अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हो और साइड बैंग रखते हो तो बहुत अच्छे से सूट होगा। लॉन्ग हेयर, फ्रिंच कट बहुत अच्छे से सूट होगा, लेकिन शॉर्ट हेयर इज बिग नो नो फॉर दिस पर्टिकुलर फेस कट। लास्ट फेस कट है, उसे कहते हैं ओब्लोंग। इस पर्टिकुलर फेस कट के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। इस पर्टिकुलर फेस कट में क्या होता है कि फेस जो है ऊपर से ओवल शेप में होता है, लेकिन नीचे से लॉन्गर फेस होते हैं। रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ सारा अली खान और सोनम कपूर का नाम, जिनका ऊपर से ओवल शेप है लेकिन नीचे से बहुत ज्यादा लॉन्ग है, यानी इनका जो चिन है वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड चिन है। तो इन पर्टिकुलर हेयर कट में शॉर्ट हेयर बहुत 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 अच्छा लगेगा। ज्यादा भी लॉन्ग हेयर विल नॉट सूट, मीडियम लेंथ हेयर जो है वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे सूट करेगा। अगर स्ट्रेट हेयर हो तो वो ज्यादा सूट अच्छे से करेगा, बट इस पर्टिकुलर फेस कट में शॉर्ट हेयर बहुत बहुत अच्छे से सूट करेगा। इस पर्टिकुलर फेस कट में अगर आप बाल को अच्छे से पीछे से बांधते हो, जैसे कि सोनम कपूर को अगर आपने देखा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाल को पीछे ही रखती है, बड़े कम टाइम में वो बाल को खुला रखती है। वो अगर मैंने देखा है कि वो अवार्ड फंक्शन में भी जहां जाती है वो बालों को पीछे से बांधती है, एक बन बहुत अच्छा लगेगा पीछे बांधा हुआ। शॉर्ट हेयर कट इज व्हाट विल लुक गुड इन दिस पर्टिकुलर फेस कट, एंड नो टू लेग कट। लेग कट इस पर्टिकुलर फेस कट पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। स्ट्रेट शॉर्ट एंड या स्ट्रेट शॉर्ट विल लुक गुड, या फिर बांध पूरे बांधे हुए इस पर्टिकुलर फेस कट में जो है ना, हाई पोनीटेल विल लुक रियली गुड, बहुत खूबसूरत और बहुत डिफाइन करेगा फेस को। सो ये है 6 फेस कट, और ये है जो हेयर कट्स जो इन फेस कट पे सूट करेगा। एंड ऑल्सो मैंने बहुत अच्छे से इनके फीचर्स वगैरह बताए, रेफरेंस भी दिए, तो आप अकॉर्डिंगली इन रेफरेंस से इनका गूगल वगैरह करके, इमेजेस वगैरह बिल्कुल गूगल करके, इवन हॉलीवुड स्टार्स को बिल्कुल गूगल करके, आप पर्टिकुलर जो आपको अच्छा हेयर स्टाइल लगता है, हेयर कट लगता है, आप वो चूज कर सकते हो, अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपको पता लगाना है कि आपका फेस कट कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से पीछे से पुल, पूरी तरह से अच्छे से पुल करके बांध लीजिए या फिर क्लिप लगाइए। एक मिरर के सामने
खड़े होइए और आप आराम से पता लगा सकते हो कि आपका फेस कट कौन सा है, या फिर आप सेल्फी लेकर भी पता लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बाल पूरे पीछे लाना पड़ेगा। तो पीछे आपके बाल एक बार अच्छे से आ गए और जैसे आपने अपने बाल को अच्छे से बांध लिया या अच्छे से एक हेयर बैंड लगा लिया, तो आप बहुत अच्छे से मिरर के सामने खड़े होकर अपना फेस कट बता सकते हो। सो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते वक्त उसके पास ही एक बेल आइकन आएगा, जब बेल आइकन को आप क्लिक करोगे एक ऑप्शन आएगा ऑल, उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको उसके बारे में पता चल जाए और आप बिना मिस करके देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू ऑल सून। टिल देन बाय।